पर इस वक्त हम मौजूद हैं छतर प्लेन में, हमारे साथ रहेगा आज आपके साथ छतर प्लेन के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाके शेयर करेंगे। और बर्फबारी ने आज छतर प्लेन की खूबसूरती को चार चांद ही लगा दिए। इन खूबसूरत मनाजिर को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास अल्फाज बिल्कुल भी नहीं हैं, आपको अपनी कैमरे की आंख से ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, थैंक यू वेरी मच। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मजीद आपके साथ खूबसूरत मनाजिर शेयर करेंगे और मजीद बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी फैसल मुमताज़ एंड यू आर वाचिंग आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ छतर प्लेन जिला मानसरा के इलाके में, नहायत ही खूबसूरत इलाका है और आज आपके साथ छतर प्लेन के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाके शेयर करेंगे। और बर्फबारी ने आज छतर प्लेन की खूबसूरती को चार चांद ही लगा दिए। इन खूबसूरत मनाजिर को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास अल्फाज बिल्कुल भी नहीं हैं, आपको अपनी कैमरे की आंख से ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वादी में कुदरत अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवागर है, जैसा कि आप देख सकते हैं बुलंदो बाला फलक बोझ बर्फीले पहाड़ों के दामन में सरसब्ज और शादाब वादियाँ। मुख्तलिफ ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनके मज़ाफात, जिनके दामन में इतनी खूबसूरतियाँ, इतनी रानाइयाँ हैं कि अगर कुदरती हुस्न के दीवाने इन तक पहुँच जाएँ तो हैरान रह जाएंगे कि अब तक ये इलाके दुनिया की नज़रों से ओझल कैसे हैं। इंजॉय किया सर? इन जन्नत नज़ीर मनाजिर के दरमियान खूब इंजॉय करने को मिला और बर्फ़ के गोलों के साथ एक दूसरे के कान भी खूब गर्म किए। उले दगोले अपनी तख्ती नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुंध ने एरिया को बिल्कुल ढांप दिया है और साथ में सफ़ेद बर्फ़ ने इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। शेर, जुमला या कोई एक इस खूबसूरती के बारे में तो इकबाल से फरमाते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा से,
जरा सा न हो तो ये मिट्टी बड़ी जहेज है जाकी। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबादशाह, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके ख्यालात क्या हैं इस खूबसूरत मनाज़र के बारे में। जी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इधर दोस्तों के साथ आया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और इधर एक मुकाबला भी हुआ हमारा जी। वो जो दूसरा ग्रुप है उससे हमने जीत लिया माशाल्लाह और टाइटल अपने नाम कर दिया। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बहुत जबरदस्त मनाजिर है नाजरीन। इसके अलावा मैं कहना चाहता था कि छतर प्लेन भी जिला मानसेरा का इलाका है, मगर 1 अरब रुपए ब्यूटिफिकेशन के फंड के होने के बावजूद भी यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कोई भी इकदाम मौजूद नहीं है। जितनी भी तवज्जा है नाज़रीन, जितनी भी तवज्जो दी जा रही है वो नारान, कागान और मुख्तलिफ इलाकों को दी जा रही है, मगर छतर प्लेन दुनिया की नज़रों से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उजल है क्योंकि छतर प्लेन को किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये इंटरव्यू हमारा कैंसिल हो गया है। के साथ साथ मैं कहना चाहता था कि इन खूबसूरत मनाजिर के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आज यहाँ पर लोकल लोग आ रहे हैं, कल यहाँ पर दूसरे शहरों से लोग आएंगे और परसों यहाँ पर इंशाल्लाह बाहर से इंटरनेशनल लोग आएंगे, और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज्म से यहाँ के मुकामी लोगों को भी रोज़गार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।